हेलो दोस्तों, नमस्कार। मोदी खतरे में, नरेंद्र मोदी की जान खतरे में है। आज हमारा विपक्ष इस प्रकार का हो चुका है कि वह यह भी नहीं जानते कि एक देश का प्रधानमंत्री के लिए सुरक्षा के क्या इंतजाम किए जाने चाहिए। और प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है, वह पूरे देश का होता है। परंतु पंजाब में जो कुछ हुआ आप सब जानते हैं, किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी को वापस आना पड़ा और उनको कहना पड़ा कि जा करके अपने मुख्यमंत्री से कहना कि प्रधानमंत्री मोदी सही सलामत वापस जा रहे हैं। और इसके जांच के आदेश हुए और पूर्व जज ने इसकी जांच की और उन्होंने, पूर्व जज ने पूरा पुलिंदा उस समय की सरकार के ऊपर फोड़ दिया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है। और उस पर जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रमन्ना जी थे, उन्होंने रिकमेंडेशन दी हैं, बीइंग ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हुए, कि उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त सख्त कार्यवाही की जाए। क्या यह दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री का जीवन खतरे में है? क्या हम इतने अशिक्षित हो गए हैं कि हम अपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा भी नहीं करना चाहते, क्योंकि वो उनकी विचारधारा हमसे नहीं मिलती है या उनकी पार्टी की विचारधारा हमसे नहीं मिलती है? या हम कुर्सी के इतने लालची हो गए हैं कि यदि हमें प्रधानमंत्री की जान भी गंवानी पड़े, हमें उनका उनका जीवन खतरे में डालना पड़े, परंतु हमें कुर्सी चाहिए? ठीक है, तो ये कहाँ तक उचित है? तो मेरा मानना है कि देश के प्रधानमंत्री का जीवन खतरे में है और इस प्रकार की प्रतिक्रिया दूसरी पार्टी भी कर सकती है। मेरा मानना है कि जो अधिकारी, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कहूँगा, मैं अधिकारियों की बात कहूँगा, जो कि सत्तात्मक पार्टियों के दबाव में इस प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं, जबकि उनको एक प्रकार से निष्पक्ष रहना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि उक्त जो उसमें अधिकारी संलिप्त हैं इस कृत्य में, चाहे वो किसी भी रैंक का हो, उनको सख्त से सख्त, उनको पहले तो बात है कि उनको नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। दे मस्ट बी टर्मिनेटेड फ्रॉम द सर्विस और उनको बिहाइंड द बार डाला जाना चाहिए। यह छोटी मोटी घटना नहीं थी जिसको कि हम ऐसे ही टाल दें, चूँकि हम अपने दो प्रधानमंत्री को इस प्रकार से खो चुके हैं। तीसरा हम नहीं खोना चाहते और हमें खोने भी नहीं देना चाहिए। प्रधानमंत्री चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो प्रधानमंत्री हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हों। उसमें हम इंदिरा गांधी जी को गंवा चुके हैं, हम संजय गांधी जी को गंवा चुके हैं, और तीसरा इंसिडेंट होने वाला था वो भी उस राज्य में जो कि हमारे दुश्मन देश के बॉर्डर से बिल्कुल लगता हुआ हो, जिसकी मात्र 30-35 किलोमीटर की दूरी बॉर्डर से हो, और वहाँ पर इस प्रकार की घटना होना अपने आप में दुखद है। इसलिए दैट अफसर्स, कल्प्रिट अफसर्स मस्ट बी बिहाइंड द बार्स एंड दे मस्ट बी पनिश्ड।